नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सायरा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, अब इंदौर नगर निगम को बांटने की मांग। जी हाँ, इंदौर नगर निगम को दो भागों में बांटने की मांग है। कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव का मुख्यमंत्री को खत। जी हाँ, शहर के विस्तार को देखते हुए ये मांग उठाई है। जहाँ भोपाल को दो हिस्सों में बांटने की बात सामने है, तो वहीं इंदौर नगर निगम को भी दो भागों में बांटने की यहाँ पर मांग है। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्योंकि भोपाल में भी दो, पूर्वी भोपाल और पश्चिमी भोपाल दो नगर निगमों में बांटने की बात, अब ये मांग जो है इंदौर से भी उठ खड़ी हुई। देखिए, बिल्कुल भोपाल के ही परिपेक्ष में जो इंदौर में भी ये मांग उठी, क्योंकि इंदौर का भी जो जो पूरा इलाका है, क्षेत्रफल है, वो उसी तरह से भोपाल से कहीं कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही इसको गिना जा सकता है। ऐसी सूरत में जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र है, इसका एक बड़ा फर्क होता है और काफी बड़ी जनसंख्या जो इस वक्त यहाँ पर निवास कर रही, तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना, सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रखना, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर ध्यान देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूर्वी क्षेत्रों की शिकायत होती है कि पश्चिम में ज्यादा काम हो, पश्चिम वाले क्षेत्रों की ऐसी शिकायत होती है कि पूर्व में ज्यादा काम हो रहा है, कहीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, कहीं नहीं आए हुए हैं, और कहीं मेट्रो ट्रेन मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं सफाई का काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ऐसी शिकायतें आम होती हैं, कई बार इसकी तुलना होती है तो उसमें काफी गंभीरता भी होती है। पानी के वितरण को लेकर कई बार समस्या आती है, तो ये सब चीजें रहती हैं जहाँ छोटी बड़ी बातें होती हैं जिसमें लेकर कहीं ना कहीं तुलनात्मक रवैया आता ही है, सामने विवाद का कारण भी बनता है। अब ऐसे में ये मांग उठी है और इंदौर कांग्रेस से भी ये मांग उठाई गई है कि साहब दो जगह पर जो है इसको बांटा जा सके, ताकि आने वाले वक्त में व्यवस्थाएं और अच्छी हों और सुचारू हों, ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे सके, जो है सुचारू। आदित्य, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को खुला खत लिखा है, क्या कुछ और उसमें खत में निकल कर आया है, और अभी तो क्या जवाब आ पाया? देखिए, ये अभी फिलहाल एक खत लिखा गया है। हाँ। और इसमें यही बुनियादी विषय है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दोनों शहरों की जनसंख्या का हवाला दिया गया है, उसके क्षेत्रों का, क्षेत्रफलों का हवाला दिया गया है कि इतने बड़े क्षेत्रफल के अंदर करीब 40 लाख के आसपास जनसंख्या निवास करती है, और ऐसी सूरत में इतना बड़ा क्षेत्रफल और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिहाज से यहाँ पर दो नगर निगम जो है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बांटी जाना चाहिए, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सके, ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान दे सके, और अगर फंड आता है तो उसका बराबर विभाजन हो सके, तो दोनों ही क्षेत्रों को उसका लाभ मिलेगा। यही सब बातों को उल्लेखित करते हुए एक पत्र मुख्यमंत्री की तरफ लिखा गया है। हालांकि अभी कोई जवाब नहीं आया इस मामले में, और आने वाले वक्त में जो भी स्थिति होगी तो वो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया। तो खबर बता दें, अब इंदौर नगर निगम को बांटने की यहाँ पर मांग है। दरअसल दो भागों में बांटने की यहाँ पर मांग उठाई जा रही है, जिस तरीके से भोपाल नगर निगम को भी दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, हालांकि अभी उस पर कार्य चल रहा है। ये जो मांग है कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने की है। दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ को खुला खत यहां पर लिखा है। और बड़ी खबर आपको